और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बोबड़े, कानून मंत्री श्रीमान रविशंकर प्रसाद जी, मंच पर उपस्थित सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशगण, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से आए हुए अन्य उच्च न्यायालयों के सभी आदरणीय न्यायाधीश, भारत के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के सम्मानित जजीज अतिथिगण, देवी और सज्जनों, दुनिया के करोड़ों नागरिकों को न्याय और गरिमा सुनिश्चित करने वाले आप सभी दिग्गजों के बीच आना अपने आप में एक सुखद अनुभव है। न्याय की जिस चेयर पर आप सभी बैठते हैं, वो सामाजिक जीवन में भरोसे और विश्वास का महत्वपूर्ण स्थान है। मैं हृदयपूर्वक आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये कॉन्फ्रेंस 21वीं सदी के तीसरे दशक की शुरुआत में हो रही है। ये दशक भारत सहित पूरी दुनिया में होने वाले बड़े बदलावों का दशक है। ये बदलाव सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी हर मोर्चे पर होंगे। ये बदलाव तर्कसंगत होने चाहिए और न्याय संगत भी होने चाहिए। ये बदलाव सबके हित में होने चाहिए। भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए होने चाहिए और इसलिए जुडिशरी एंड द चेंजिंग वर्ल्ड, इस विषय पर महन मंथन मैं समझता हूं बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, भारत के लिए बहुत सुखद अवसर भी है कि महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस आज उस कालखंड में हो रही है जब हमारा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जन्म जयंती मना रहा है। पूज्य बापू का जीवन सत्य और सेवा को समर्पित था, जो किसी भी न्यायतंत्र की नींव माने जाते हैं। और हमारे बापू खुद भी तो वकील थे, बैरिस्टर थे, और अपने जीवन का पहला मुकदमा उन्होंने लड़ा, उसके बारे में गांधी जी ने बहुत विस्तार से अपनी आत्मकथा में लिखा है। गांधी जी तब बंबई, जो आज का मुंबई है, वहां थे, संघर्ष के दिन थे। किसी तरह पहला मुकदमा मिला था, लेकिन उन्हें कहा गया कि उस केस के एवज में उन्हें किसी को कमीशन देना होगा। गांधी जी ने साफ कह दिया था कि केस मिले या न मिले, कमीशन नहीं दूंगा। सत्य के प्रति, अपने विचारों के प्रति गांधी जी के मन में इतनी स्पष्टता थी। और ये स्पष्टता आई कहां से? उनकी परवरिश, उनके संस्कार और भारतीय दर्शन के निरंतर अध्ययन से यह निकला है। फ्रेंड्स, भारतीय समाज में रूल ऑफ लॉ सामाजिक संस्कारों का आधार है।
हमारे यहां कहा गया है क्षत्रियस्य क्षत्रियस्य क्षत्रम यत धर्म, यानी लॉ इज द किंग ऑफ किंग्स, लॉ इज सुप्रीम। हजारों वर्षों से चले आ रहे ऐसे ही विचार एक बड़ी वजह है कि हर भारतीय की न्यायपालिका पर अघात आस्था है। साथियों, हाल में कुछ ऐसे बड़े फैसले हुए हैं जिनको लेकर पूरी दुनिया में चर्चा थी। फैसले से पहले अनेक तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी, लेकिन हुआ क्या, 130 करोड़ भारतवासियों ने न्यायपालिका द्वारा दिए गए इन फैसलों को पूरी सहमति के साथ स्वीकार किया। हजारों वर्षों से भारत न्याय के प्रति आस्था के इन्हीं मूल्यों को लेकर आगे बढ़ रहा है। यही हमारे संविधान की भी प्रेरणा बना है। पिछले वर्ष ही हमारे संविधान को 70 वर्ष पूरे हुए हैं। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने कहा था, कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ मियर लॉयर्स डॉक्यूमेंट, इट इज अ व्हीकल ऑफ लाइफ एंड स्पिरिट इज ऑलवेज ए स्पिरिट ऑफ एज। इसी भावना को हमारे देश की अदालतों, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अपने अपने समय में आगे बढ़ाया है। इसी स्पिरिट को हमारी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ने जीवंत रखा है। एक दूसरे की मर्यादाओं को समझते हुए तमाम चुनौतियों के बीच कई बार देश के लिए संविधान के तीनों पिलर्स ने उचित रास्ता ढूंढा है। और हमें गर्व है कि भारत में इस तरह की एक समृद्ध परंपरा विकसित हुई है। बीते 5 वर्षों में भारत की अलग अलग संस्थाओं ने इस परंपरा को और सशक्त किया है। देश में ऐसे करीब 1500 पुराने कानूनों को समाप्त किया गया है जिनकी आज के दौर में प्रासंगिकता समाप्त हो रही थी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कानून समाप्त करने में तेजी दिखाई गई है, समाज को मजबूती देने वाले नए कानून भी उतनी ही तेजी से बनाए गए हैं। ट्रांसजेंडर पर्संस के अधिकारों से जुड़ा कानून हो, 3 तलाक के खिलाफ कानून हो, या फिर दिव्यांग जनों के अधिकारों का दायरा बढ़ाने वाला कानून, सरकार ने पूरी संवेदनशीलता से काम किया है। फ्रेंड्स, मुझे खुशी है कि इस कॉन्फ्रेंस में जेंडर जस्ट वर्ड के विषय को भी रखा गया है। दुनिया का कोई भी देश, कोई भी समाज जेंडर जस्टिस के बिना पूर्ण विकास नहीं कर सकता और न्यायी न्यायप्रियता का दावा कर सकता है। हमारा संविधान राइट टू इक्वलिटी के तहत ही जेंडर जस्टिस को सुनिश्चित करता है। भारत दुनिया के उन बहुत कम देशों में से एक है जिसने स्वतंत्रता के बाद से ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार सुनिश्चित किया। आज 70 साल बाद अब चुनाव में महिलाओं का ये पार्टिसिपेशन अपने सर्वोच्च स्तर पर है। अब 21वीं सदी का भारत इस पार्टिसिपेशन को दूसरे पहलुओं में भी तेजी से आगे बढ़ा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे सफल अभियानों के कारण
पहली बार भारत के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में गर्ल चाइल्ड का एनरोलमेंट लड़कों से ज्यादा हो गया है और किसी भी हिंदुस्तानी को इस बात का गर्व होगा। इसी तरह सैन्य सेवा में बेटियों की नियुक्तियां हो, फाइटर फ्लाइट्स की चयन प्रक्रिया हो, माइंस में रात में काम करने की स्वतंत्रता हो, सरकार द्वारा अनेक बदलाव किए गए हैं। आज भारत दुनिया के उन कुछ देशों में शामिल है जो देश की कैरियर वुमेन को 26 हफ्ते की पेड मैटरनिटी लीव देता है। साथियों, परिवर्तन के इस दौर में भारत नई ऊंचाई भी हासिल कर रहा है, नई परिभाषाएं गढ़ रहा है और पुरानी अवधारणाओं में बदलाव भी कर रहा है। एक समय था जब कहा जाता था कि तेजी से विकास और पर्यावरण की रक्षा एक साथ होना संभव नहीं है। भारत ने इस अवधारणा को भी बदला है। आज जहां भारत तेजी से विकास कर रहा है, वहीं हमारा फॉरेस्ट कवर भी तेजी से एक्सपांड हो रहा है। 5-6 साल पहले भारत विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। 5 साल पहले 3-4 दिन पहले जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक अब भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यानी भारत ने यह करके दिखाया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के साथ साथ एनवायरमेंट को भी सुरक्षित रखा जा सकता है। साथियों, मैं आज इस अवसर पर भारत की न्यायपालिका का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिसने विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन की गंभीरता को समझा है, उसमें निरंतर मार्गदर्शन किया है। अनेक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल्स की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी पर्यावरण से जुड़े मामलों को नए सिरे से परिभाषित किया है। साथियों, आपके सामने न्याय के साथ ही शीघ्र न्याय की भी चुनौती हमेशा ही रही है। इसका एक हद तक समाधान टेक्नोलॉजी के पास है, विशेष तौर पर कोर्ट के प्रोसीजरल मैनेजमेंट को लेकर। इंटरनेट आधारित टेक्नोलॉजी से भारत के जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को बहुत ही लाभ होगा। सरकार का भी प्रयास है कि देश की हर कोर्ट को ई कोर्ट इंटीग्रेटेड मिशन मोड प्रोजेक्ट से जोड़ा जाए। नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड की स्थापना से भी कोर्ट की प्रक्रियाएं आसान बनेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मानवीय विवेक का तालमेल भी भारत में न्यायिक प्रक्रियाओं को और गति देगा। भारत में भी न्यायालयों द्वारा इस पर मंथन किया जा सकता है कि किस क्षेत्र में किस स्तर पर उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता लेनी है। इसके अलावा बदलते हुए समय में डेटा प्रोटेक्शन, साइबर क्राइम जैसे विषय भी अदालतों के लिए नई चुनौती बनकर उभर रहे हैं। इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए ऐसे अनेक विषयों पर इस कॉन्फ्रेंस में गंभीर मंथन होगा। कुछ सकारात्मक सुझाव सामने आएंगे। मुझे विश्वास है कि इस कॉन्फ्रेंस से भविष्य के लिए अनेक बेहतर समाधान भी निकलेंगे। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ इस समिट की सफलता के लिए मेरी शुभेच्छाओं के साथ साथ इस मंथन से जो अमृत निकलेगा
वो न सिर्फ भारत को लेकिन नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने की मशक्कत कर रहे विश्व को भी अवश्य उपयोगी होगा। इसी भावना के साथ मेरी शुभकामनाओं को कहते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।